अहम खबर शामिल करेंगे यहाँ पे। रावलपिंडी की मुगलसराय मार्केट है जहाँ पे आग लग गई है। रेस्क्यू के फायर टेंडर्स इस आग पर काबू पाने में मशरूफ दिखाई दे रहे हैं। रेस्क्यू के मुताबिक इस्लामाबाद से भी फायर टेंडर्स को तलब कर लिया गया है। इस आग से मुतालिक मजीद जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे इमरान असगर हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, वजूहात क्या है और किस दर्जे की आग बताई जा रही है? जी बिल्कुल, ए कैटेगरी की आग बताई जा रही है क्योंकि ये जो इलाका है बड़ा कंजेस्टेड है, बहुत ज्यादा दुकानें हैं, स्टॉल्स हैं, ढाबे हैं और सबसे बड़ी बात जो है वो गारमेंट्स के बहुत बड़े गोदाम हैं, कॉस्मेटिक्स के गोदाम हैं, इसी तरह लेडीज ज्वेलरी के बहुत बड़े गोदाम हैं। ये आग सुबह लगी लेकिन रावलपिंडी के फायर टेंडर्स कोशिश के बावजूद इस आग पर काबू ना पा सके, आग मजीद फैली। इसी वजह से न सिर्फ रावलपिंडी कंटोनमेंट बल्कि इस्लामाबाद सीडीएफ की जानिब से भी जो फायर टेंडर्स यहां पर भिजवा दिए गए हैं। रेस्क्यू काम के मुताबिक तंग गलियां हैं, बिजली का निजाम बहुत ही धर्म भरम है और बिल्कुल तारे नीचे होने की वजह से आग मुसलसल जो है वो फैल रही है क्योंकि 200 से ज्यादा दुकानें जो है वो इस मार्केट में मौजूद है। होलसेल का कारोबार होता है। आज मार्केट सुबह खुलनी थी लेकिन आग पहले लगी। इमदादी इदारे कोशिश कर रहे हैं कि चारों जानिब से फायर फाइटिंग करके इस आग पर काबू पाया जा सके क्योंकि इससे मुल्हिका बाजारों में इससे भी बड़े गोदाम मौजूद है। कोशिश ये की जा रही है कि आग को एटलीस्ट महदूद किया जा सके लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक आग में मुसलसल इजाफा हो रहा है, इमदादी टीमों में इजाफा किया जा रहा है। 60 से जायद इस वक्त रेस्क्यू जो वर्कर हैं वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। तर्जुमान 1122 के मुताबिक आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका जिसकी बड़ी वजह यहाँ पर जो मौजूद मटेरियल है वो फौरी तौर पर आग को अपनी लपेट में ले रहा है और यही वजह है कि सारी सूरत हाल को देखते हुए दीगर बाजारों के जो ताजर हैं वो हासे खौफो हरास का शिकार है, अपनी दुकानें खाली कर रहे हैं कि अगर आग दीगर बाजारों की जानी पाए तो एटलीस्ट उनकी जो इमलाक है वो महफूज हो सके। पुलिस की भारी नफरी पहुंच चुकी है, जो मरकजी शाहरा राजा बाजार है उसको दोनों जानिब से बंद कर दिए गए ताकि सिर्फ और सिर्फ इमदादी टीमें जो है उनकी नकल और हरकत हो सके। दीगर जितनी प्राइवेट गाड़ियां और वहां पर होने वाली पार्किंग को फौरी तौर पर पुलिस ने बंद कर दिया और कोशिश ये की जा रही है कि फायर टेंडर्स को अच्छे से साफ रास्ते दिए जाए ताकि बगैर किसी खलल के सरगर्मियां काबू पा लिया जाए। इमरान, आपने कहा कि आपका शुक्रिया।